राधे श्याम को लेकर पूजा हेगड़े ने क्या अपडेट दी है, इटली में किस तरह से शूट चल रहा है, क्योंकि इटली सबसे ज्यादा अफेक्टेड था कोरोना वायरस से, क्या होने वाली है फिल्म की खास बातें, कब तक इसका शूट निपटा दिया जाएगा इटली में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूँ सोनिका जयाल। बात करेंगे प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म राधे श्याम की, जिसका एक पोस्टर हाल ही में रिलीज किया गया था, जिसमें पूजा हेगड़े और प्रभास नजर आ रहे थे। पूजा हेगड़े एकदम विंटेज का ही टाइम दिख रहा है, जिसमें पीछे से फॉरेनर दिख रहे हैं, ट्रेन की एक बोगी दिख रही है जिसमें कि पूजा हेगड़े ने स्कार्फ पहना हुआ है, उनका आधा फेस कवर है और बैक पोर्शन दिख रहा है प्रभास का, यानी कि पूजा हेगड़े का उनके बर्थडे के दिन पोस्टर शेयर कर दिया गया है। और अब प्रभास के बर्थडे का दिन का इंतजार है, जो कि 23 अक्टूबर का है, और हो सकता है कि उस दिन राधे श्याम का एक मोशन पोस्टर रिलीज किया जाए जिसमें हमारे डार्लिंग प्रभास नजर आएंगे। वहीं आपको बता दें कि राधे श्याम जैसे कि नाम है, तो पूजा हेगड़े ने बहुत सारी बातें रिवील की है अपने बर्थडे के दिन ही, उन्होंने ये सब बातें बताई है। जैसे कि राधे श्याम कहा जा रहा था कि हो सकता है ये माइथोलॉजिकल कोई फिल्म हो, उनसे मिलती जुलती हो जो राधा कृष्ण है। तो पूजा हेगड़े ने कहा है कि उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राधे श्याम से इंस्पायर्ड ये कैरेक्टर हो सकते हैं। इटली में फिलहाल इसका शूट चल रहा है। इसके अलावा डबल रोल की आशंका जताई जा रही थी, क्योंकि जो टाइटल था मोशन पोस्टर में उसमें लिखा गया है प्रेरणा, तो राधे श्याम फिल्म का नाम है राधे, जहाँ तक पूजा हेगड़े का नाम होगा तो प्रेरणा कौन है, तो इसके लिए भी उन्होंने कह दिया है कि कोई डबल रोल मेरा इस फिल्म में नहीं है। अब प्रभास का है या नहीं है ये आने वाला वक्त बताएगा। वहीं बस फिल्म के लिए ये कहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है जो हमने आज तक नहीं देखा है, और प्रभास ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जो हमने कभी नहीं देखी है और आंखें फटी की फटी रह जाती है हर फिल्म को देखकर। वहीं इटली में इसका शूट चल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टेड था कोरोना वायरस से, आप सभी जानते हैं इतनी सारी मौतें हुई, इतने लोग इन्फेक्टेड हुए, तो उस बारे में भी कहा गया है कि इटली में उनका शूट चल रहा है, लेकिन अब काफ़ी हद तक वहाँ सब कुछ कंट्रोल है, ज़िंदगी आसान हो गई है, मास्क पहन के शूट करते हैं, सैनिटाइजर हमेशा रहता है, कम क्रू है, लेकिन सब कुछ सही चल रहा है। इसके अलावा नो हग पॉलिसी हो चुकी है, आप सभी जानते हैं जैसे फिल्म इंडस्ट्री में होता है, स्टार्स मिलते हैं, हग करते हैं, किस करते हैं, तो ये पॉलिसी खत्म कर दी गई है कोरोना वायरस के चलते, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखी जा सके। इटली में शूट की बात करें तो 31 अक्टूबर तक ये शूट खत्म हो जाएगा, उसके बाद जब वो वापस लौटेंगे तो हैदराबाद में कंटिन्यू किया जाएगा, और लास्ट शेड्यूल इसका खत्म हो जाएगा नवंबर एंड तक, और जल्द से जल्द ये फिल्म आपके सामने हाजिर हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद प्रभास को अपनी फिल्म आदि पुरुष की शूटिंग करनी है, और जनवरी से कहा जा रहा है कि प्रभास अपनी अपकमिंग फिल्म आदि पुरुष की शूटिंग करेंगे, जिसमें वो श्री राम के किरदार में नजर आएंगे। वहीं सैफ अली खान हमारे छोटे नवाब भी इस फिल्म में नजर आने वाले हैं, और वो करने वाले हैं रावण यानी लंकेश का किरदार। वहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा भी में नजर आएंगे लक्ष्मण के किरदार में, लेकिन सीता कौन होने वाली है ये अभी तक पता नहीं है। अनुष्का शेट्टी को अगर सीता के रोल में देखा जाए तो मजा आ जाएगा, इन दोनों की जोड़ी, प्रभास और अनुष्का शेट्टी की जोड़ी हमेशा से बहुत फेमस रही है, तो हो सकता है सीता का रोल इस बार अनुष्का शेट्टी को मिल जाए। वैसे आप आदि पुरुष में सीता के रोल में किसे देखना चाहते हैं मुझे जरूर बताइएगा। इसके अलावा प्रभास की प्रभास 23 तक उन्होंने अनाउंस कर दिया है, और बहुत सारी फिल्में लाइनअप में है जैन से शूट होगा। फिलहाल राधे श्याम का बहुत इंतजार हो रहा है, और इसका शूट खत्म भी होने वाला है, तो अगले साल तक हो सकता है ये फिल्म रिलीज कर दी जाए। आपको राधे श्याम का कितना इंतजार है, प्रभास की तमाम फिल्मों का कितना इंतजार रहता है, पूजा हेगड़े आपको कैसी लगती है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड टॉलीवुड हॉलीवुड अपडेट्स के लिए, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फिल्मी रिव्यूज के लिए आपको करना है सब्सक्राइब हमारा चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़।